ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपना पदभार संभाल लिया। राजभवन में उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य सरकार ने प्रदेश के सहकारिता निर्वाचन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही नौ नगर निगमों के आयुक्त भी बदले गए। सुकमा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में दो माओवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। और बस्तर संभाग में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जलजीवन अस्त व्यस्त। इंद्रावती और शबरी सहित बस्तर क्षेत्र के सभी नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। राजधानी स्थित राजभवन में आज शाम उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल सुश्री उइके ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्री उपस्थित थे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी सहित राज्य शासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सुश्री उइके को सशस्त्र बलों द्वारा सलामी दी गई। 10 अप्रैल 1957 को मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के रोहना कला गांव में जन्मी अनुसुईया उइके ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। छिंदवाड़ा के शास्त्रीय महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनुसुईया उइके ने 1985 में दमुआ से विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक जीवन में कदम रखा। वे मध्यप्रदेश सरकार में महिला तथा बाल विकास मंत्री रहने के अलावा राज्यसभा सांसद भी रहीं। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले सुश्री उइके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष थीं। आज शपथ ग्रहण करने से पहले अनुसुईया उइके ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पहुंचकर शहीद विजयनारायण सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने शहीद वाटिका में शहीदों की याद में बनाए गए अमर जवान स्तंभ के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज ही रायपुर के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने भी त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्य सरकार ने प्रदेश के सहकारिता निर्वाचन आयोग के आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा को पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मनोज पिंगुआ को सहकारिता निर्वाचन आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में श्री पिंगुआ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के पास परिवहन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है। गौरतलब है कि भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कुछ समय पहले श्री मिश्रा के खिलाफ कथित घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। इस बीच राज्य सरकार ने नौ नगर निगमों के आयुक्त भी बदल दिए हैं। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के 68 अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। सुकमा जिले में आज पुलिस ने मुठभेड़ में दो माओवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ कोंटा थाना क्षेत्र के कन्हाईगुड़ा इलाके में हुई। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि माओवादियों के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम को कन्हाईगुड़ा इलाके के लिए रवाना किया गया। जब ये टीम इलाके में पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो माओवादियों को मार गिराया। पुलिस ने घटनास्थल से माओवादियों के शव के अलावा हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। बिलासपुर जिले में बीती रात एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें दबकर चालक सहित पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें से चार मजदूर थे। ये सभी कोनी क्षेत्र के चुमकावा गांव के रहने वाले थे। ये घटना जिले के हिदे थाना क्षेत्र की है, जहां बिजली तार खींचने का काम चल रहा था। चारों मजदूर वहीं काम कर रहे थे। बीती रात ये लोग अपना काम खत्म करने के बाद ट्रैक्टर में सवार होकर अपने ठिकाने पर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन हर वर्ष बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थलों में से एक है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय बाघ आंकलन रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंद्रावती और शबरी सहित बस्तर क्षेत्र की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जगदलपुर शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं आसपास के अनेक गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण जिले के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। बस्तर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही अनवरत बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया एवं अनेक गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बस्तर तथा जगदलपुर शहर के करीब 12 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज के दोनों ओर सड़क से ऊपर पानी बहने के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावित। इंद्रावती का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। पुराने पुल से लगभग 1.5 फीट ऊपर पानी बह रही है। इस बारिश से जगदलपुर में करीब आधा दर्जन मकान तथा जिले में करीब दर्जन भर मकान धाराशायी हो गए। शहर में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। गंगा मुंडा तालाब के लबालब हो जाने के कारण गंगानगर तथा गांधीनगर वार्ड के अनेक घरों में पानी भर गया है। किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। बारिश के कारण आज जिले के स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं जगदलपुर से संतोष हुआ। उधर दंतेवाड़ा जिले में भी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां शंखिनी और डंकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से आसपास की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बस्तर में 4 दिनों से लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। प्रमुख नदियों इंद्रावती और शबरी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और जगह जगह नदी नालों में उफान की वजह से कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। दंतेवाड़ा में प्रशासन अलर्ट है और शंकरी डंकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बस्तर कमिश्नर ने सभी जिलों को अलर्ट किया है, जिसके बाद लगातार प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में सक्रिय है। हालांकि अभी तक किसी तरह की आने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के मकानों सरकारी संपत्ति में कुछ जगहों पर नुकसान की जानकारी है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे कुछ इलाकों में ग्रामीणों को विस्थापित किया जा सकता है। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश। वहीं सुकमा जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। हमारे संवाददाता के अनुसार कलेक्टर ने आज स्वयं बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा किया। पिछले 4 दिनों से लगातार सुकमा जिले के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। सबरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, तो सुकमा जिला मुख्यालय का उड़ीसा से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। सुकमा में सबरी नदी के पुल के 2 फीट ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। साथ ही दूरी इलाकों में भी बरसाती नाले खान पे है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर चंदन कुमार खुद ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सुकमा से आकाशवाणी के लिए विष्णु प्रताप सिंह। सुकमा और बीजापुर में बारिश को देखते हुए जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिला कलेक्टरों को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की विपरीत स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को बचाव की पूरी तैयारी रखने को कहा है। श्री बघेल ने आज बस्तर संभाग के आयुक्त अमृत खलको से फोन पर बात की और उससे वहां बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित नदी नालों के किनारों के अलावा निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरत पड़ने पर राहत शिविर लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा नियंत्रण बल सहित प्रभावित जिलों में पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी सचेत रहने को कहा है। बस्तर के आयुक्त ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार मुनादी की जा रही है। हमारे सुकमा संवाददाता ने बताया कि डुब्बा टोटा के पास सड़क पर तेजी से पानी भर रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ को हैदराबाद से जोड़ने वाली सड़क पर आवागमन बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने आज पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए और जशपुर जिले में कुनकुरी वन परिक्षेत्र के कोसाबाड़ी गांव में हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपना पदभार संभाल लिया। राजभवन में आज उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
राज्य सरकार ने प्रदेश के सहकारिता निर्वाचन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही 9 नगर निगमों के आयुक्त भी बदल दिए गए हैं। सुकमा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। और बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। इंद्रावती और शबरी सहित बस्तर क्षेत्र के सभी नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।